फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली और बिस्किट से बर्फी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं 200 ग्राम मूंगफली दाने। इनको मैंने भूनकर इनका छिलका हटा लिया है। अब मैं इनको पीस लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली को मैंने पीस लिया है। इनको पल्स पर पीसा है। इनमें जो तेल होता है मूंगफली में, उसे ये रिलीज कर देगी अगर आप एक साथ पीसेंगे तो इसको पल्स पर ही पीसना। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है हाइड एंड सीक बिस्किट। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। मैंने एक बिस्किट का पैकेट पूरा ले लिया है। ये इसको मैं पीस लेती हूँ, कुछ टुकड़े करके इसमें डाल लेती हूँ। आप कोई बिस्किट ले सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर का। देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट को पीस लिया है फाइन एकदम। अब चलते हैं आगे का प्रोसेस का। फ्रेंड्स देखिए, अब ये है बिस्किट का पाउडर। इसमें चीनी डालने की जरूरत नहीं है और घी भी डालने की जरूरत नहीं है, घी बटर कुछ भी, क्योंकि भरपूर बटर और चीनी होती है इसमें। ये है गर्म दूध, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। थोड़ा थोड़ा डालते हैं इसको। आटा पीटा इसको लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बिस्किट का डो मैंने लगा लिया है और इसको रख देते हैं एक साइड। फ्रेंड्स देखिए, ये है 1/4 कटोरी चीनी। क्वांटिटी देखेंगे तो 100 ग्राम है। अब जैसा मीठा आप खाते हैं उस हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आधा कटोरी में इसमें पानी डाल देंगे। अब गैस ऑन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मिल्क पाउडर, ये 4 चम्मच मैंने लिया है। आप अपने हिसाब से डालें। मैंने 4 चम्मच डाला है 200 ग्राम में। आप अगर ज्यादा ले रहे हैं मूंगफली तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। फिर आपको दिखाऊंगी कितना मुझे इसे पिघलाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें मिल्क पाउडर मिक्स कर लिया है मूंगफली में, अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्का सा उंगली पे चिपचिपाहट आ रही है इसकी, मतलब इसकी चाशनी नहीं बनानी है अच्छे से, बस थोड़ा सा चिपचिप हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे डाल देती हूँ पाउडर मिक्स। इसको थोड़ा डालूंगी, मिक्स करूंगी। फ्रेश मिल्क पाउडर मैंने इसलिए डाला है थोड़ा टेस्ट आए हमें मावा वाला, और अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर दीजिए। बगैर मिल्क पाउडर के भी ये बहुत अच्छी बनती है। अब इसको पका लेते हैं। आप चाहे तो घी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाली हूँ उसमें, क्योंकि इसमें घी अपना होता है मूंगफली में। आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसको। और फ्रेंड्स, मैंने मूंगफली पाउडर थोड़ा मोटा रखा है, क्योंकि क्रंची क्रंची मुंह में दाने आते हैं ना, तो टेस्ट बढ़ता है बर्फी का, तो मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है। आप अगर चाहें तो फाइन इग्नोर कर लें। और अब मैं इसमें हरी इलायची का पाउडर मैं डाल लेती हूँ। ये 8 इलायची का पाउडर है।
आप चाहे तो कोई और केवड़ा एसेंस या गुलाब का एसेंस कोई भी आप इसमें फ्लेवर डाल सकते हैं, यानी हरी आप अपने हिसाब से फ्लेवर ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स मूंगफली मिक्स अब ये पैन को छोड़ रहा है, देखिए कढ़ाई को देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए साइड से देखिए छोड़ रहा है ना, तो इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है जमने के लिए। तो मैं अभी गैस कर दूंगी बंद और ओवर कुक नहीं करना है मुझे इसे। और अगर आपको ऐसे पता नहीं चले कि पक्का पता करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मिक्स लीजिए और एक कटोरी में डालें, ठंडा अगर हो जाता है ये फिर आप इसको देखें। अभी मैं दिखाऊंगी आपको, तो ये पहले गैस कर रही हूँ बंद फ्लेम में, अब देखिए इसकी गोली सी बन रही है, देखिए ये इकट्ठा हो रहा है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है जमने के लिए। चलाना इसलिए है क्योंकि ये कढ़ाई गर्म है, नीचे से लग जाएगा इसलिए मुझे कंटिन्यू चलाना है अभी। देखिए फ्रेंड्स तो ये मैंने बटर पेपर लगा लिया है, अब मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसे कर लेते हैं ग्रीस बटर पेपर को अच्छे से। तो फ्रेंड्स अब कर लेते हैं इसे ट्रांसफर मूंगफली मिक्स को, इसमें अब इसको फैला लेते हैं। आप जितने मोटे पीस रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको सेट कर लें ट्रे में, और अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप थाली में भी इसे जमा सकते हैं। क्योंकि मिक्स को मैंने सेट कर दिया है, अब मैं ले लेती हूँ ये बिस्किट का डो, मुझे इसे पूरी अच्छे तरह से इस पे फैलाना है, इसको सेट करूंगी अब मैं। देखिए फ्रेंड्स मैंने बिस्किट का बेस भी लगा दिया है इसमें और मैंने अच्छे से इसको सेट कर दिया है, और अब मैं लगाऊंगी इस पे चांदी वर्क। तो फ्रेंड्स अब मैं लगा रही हूँ इस पे चांदी वर्क, देखिए फ्रेंड्स चांदी वर्क लगा दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए अब लगा लेती हूँ कट, मैं भी कट लगा लेती हूँ इस पर। आप अपने हिसाब से कट लगाएं, जैसे आप पतले या चौड़े जैसे भी आप पीस चाहते हैं उस हिसाब से आप कट लगा लें। अब रख देती हूँ सेट होने, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बर्फी सेट हो गई है, अब मैं इसको कट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बर्फी कट कर ली है मैंने, देखिए कितने बढ़िया बढ़िया पीस निकल रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स बर्फी कट कर लेती हूँ, देखिए प्याज से कट रही है बर्फी। देखिए फ्रेंड्स अब मैं बर्फी को कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखा। देखिए फ्रेंड्स मूंगफली बिस्किट की बर्फी बनकर रेडी है, डबल लेयर, देखिए दिख रही है ना डबल लेयर, देखिए लग रही है ना बिल्कुल जैसे शॉप से आई है। देखिए फ्रेंड्स तो आप भी इस रेसिपी को जरूर बनाना, ट्राई जरूर करना एक बार,
ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है और बनने में भी इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स ट्राई जरूर करना इस रेसिपी को। देखिए फ्रेंड्स मूंगफली बिस्किट की बर्फी बनकर रेडी है, देखिए डबल लेयर बर्फी तो लग रही है ना जैसे कि शॉप से लेकर आए हैं। देखिए तो फ्रेंड्स आप भी इस बर्फी को जरूर बनाना, बहुत जल्दी बनती है, बहुत इजी है ये बननी, बहुत जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी है, अमेजिंग है, डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट भी। थैंक यू। देखिए